हेलो दोस्तों, आज एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम है 28 दिसंबर को, और ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले जब एनटीपीसी 2015 में हुआ था तब यह वर्ल्ड का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया था इंडिया ने, क्योंकि उसमें 78 शिफ्ट में पहली बार एग्ज़ाम हुई थी। और इस बार फिर एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है 35,000, और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो लगभग 1.25 करोड़ अपियर हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। कुछ स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी तैयारी का लेवल क्या है और वे लोग किस हद तक तैयार हैं। तो जैसे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का प्रिपरेशन कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। देखिए, स्टूडेंट्स बहुत ही तैयार हैं। जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि जो फॉर्म है वह 2019 की ही आ चुकी है और पूरी दो साल हो चुकी है। तो सरकारी का तो यही रहता है सभी का कि बहुत लेट होता है, तो यह रेलवे ने भी दिखला दिया है। और आप सभी को कैसा लगता है जब आप लोग का एग्ज़ाम डिले होता है? बहुत बुरा लगता है जब एग्ज़ाम डिले होता है। हो रहा है, बहुत दिन बाद एग्ज़ाम हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है। फर्स्ट शिफ्ट में इन लोग का पढ़ चुका है। ये सभी अगर खुश होते कि इन लोग का अगर लास्ट शिफ्ट में होता तो इन सभी को थोड़ा एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने का अच्छा अवसर मिलता। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में है तो क्वेश्चन का पैटर्न भी लोग के लिए एकदम नया होगा। और यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत ही भयानक होती है। तो क्या आप इसमें आप लोग तुक्का क्या लेंगे? जी आप कैंडिडेट हैं जी। देखिए, तो एनटीपीसी में जैसे अभी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो तुक्का लेना पड़ता है। तो 1/3 तुक्का है, तो 1/3 मतलब निगेटिव मार्किंग है। तो क्या तुक्का इसमें आप लेना चाहेंगे या फिर नहीं लेना चाहेंगे? जी ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग कोरोना वायरस में पढ़ाई भी होते सही से नहीं हो पाया मास्टर साहब से। यानी कि आप सभी जान रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स का पढ़ाई है वो कोरोना के वजह से बाधित कहीं ना कहीं हुई है, तो इस वजह से जो तैयारी है वो भी कहीं पूरी अच्छी नहीं हो पाई है। और ऑफलाइन जो नहीं ऑफलाइन कोचिंग्स भी बंद है, और जो भी हुई है ऑनलाइन ही हुई है। तो ऑनलाइन आप सभी कैसे तैयारी करते थे? ऑनलाइन अपने घर पर सेल्फ स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे वैसा ही। सेल्फ स्टडी और ऑफलाइन में, सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन में जिसमें किसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिला? हमको सेल्फ स्टडी घर पर ही पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन नहीं पढ़ाई करते थे। अच्छा, ठीक है। और क्या उम्मीदें हैं इस बार की एनटीपीसी में? जो ये 35,000 वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, और इसके बाद ग्रुप डी की भी आने वाली है, तो क्या आपने उसमें भी अप्लाई किया है? जी उसमें अप्लाई किए हैं ग्रुप डी में। तो क्या उम्मीदें हैं कि इस बार नौकरी पक्की? देखिए वो तो आगे वाला वक्त बताएगा। मीन्स तैयारी आपकी डिपेंड करती है कि नौकरी आपकी होगी कि नहीं होगी, फिर भी CBT 1 के लिए तो आप प्रिपेयर है ना? जी। और कुछ कैंडिडेट से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मुकुंद कुमार जी। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के ही निवासी है, और यहीं पे देखिए होम सेंटर ही अधिकतर मिल रही है। और एक ट्विटर ट्रेंड भी हुआ था जिसमें बच्चों ने जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तो वे बोल रहे थे कि एग्ज़ाम हो मेरा, और फिर इधर हाल में ही आया है नोटिस, तो अब NTPC की एग्जामिनेशन भी हो रही है। तो क्या अब आप सभी खुश हैं या आपको अभी और टाइम चाहिए था? नहीं खुश हैं। खुश है, मीन्स बच्चों को भी नौकरी चाहिए और सभी को नौकरी चाहिए होती है। और आपकी क्या राय होती है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी जो अपनी तैयारी कैसे करते थे? तैयारी खुद अपने से करते थे कोरोना की वजह से सिर्फ जी। और ये जो सेट प्रैक्टिस का हुआ, तो सेट प्रैक्टिस ये सब कहाँ से करते थे? खुद करते थे अपने से ही। अच्छा बात है। मीन्स प्रैक्टिस कहाँ से? कोई सोर्स तो होगा। अपने से 100 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? मोबाइल नेट से करते थे। अच्छा ठीक है, ये भी मतलब ऑनलाइन में कोई सोर्स ही नहीं, आपके कोई दोस्त या फिर मित्र से आप लोग? अपने से ही। अच्छा बात है। तो और भी हम लोग कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, चलते हैं और स्टूडेंट्स की ओर। कुछ महिला परीक्षार्थी भी हम लोग के साथ हैं, तो मैडम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हिमाद्री कुमारी है जी। और NTPC की तैयारी आपने कौन से स्रोत से की, क्योंकि कोरोना काल के वजह से कोई ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं जा सकते थे, तो जाहिर सी बात है कि आपने ऑनलाइन का ही सहारा लिया होगा। ऑनलाइन में आपने पढ़ाई कैसे किया? हम लोग घर पर ही तैयारी किए थे। देखिए, घर पर भी तैयारी की जा सकती है, और जब रिजल्ट आएगा तब भी आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि अभी जो निगेटिव मार्किंग का ट्रेंड है वो 1/3 है, तो क्या इसमें जैसे 100 के 100 क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, तो तुक्का लेने का क्या इसमें आपका रहेगा कि तुक्का ज़्यादा लिया जाए या फिर कम लिया जाए? कम लिया जाएगा।
वैसे अगर बात करूं बिहार पुलिस या ये सब में तो 1/10 रहती है, तो उसमें आप ले भी सकते हैं तुक्का, लेकिन यहाँ पे बहुत जोखिम हो सकता है और भर्ती भी है वो 35,000 है और 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, तो आपको अपने से क्या उम्मीदें हैं और आपकी तैयारी पे आपको कितना भरोसा है? जो हम लोग तैयारी किए हैं उसके अनुसार एग्जाम दिया जाएगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, वही इनका भी मोटिव है। और हम लोग कुछ और कैंडिडेट से बात करते हैं, चलते हैं देखते हैं उनकी राय क्या है। और कुछ कैंडिडेट से हम लोग भी बात करते हैं जो कि NTPC के फर्स्ट शिफ्ट में आई हुई हैं एग्जाम देने। मैडम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुंजा कुमारी। मैडम आप भी आई हैं क्या? जी तुलिका कुमारी जी। तो NTPC की जैसी इस बार 35,000 वैकेंसी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और इसमें 1.25 करोड़ स्टूडेंट जो है वो अपीयर हो रहे हैं, तो आप सभी को अपने आप से क्या उम्मीदें हैं कि क्या इस बार आप लोग को नौकरी में ज़्यादा मीन्स प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन का? आप लोगों ने तैयारी कहाँ से की? ऑनलाइन में आप लोग कहाँ से करते थे? कौन सर थे? ऑनलाइन में कोई सोर्स जो कि आप सभी यूज करते हो? मैंने तो सेल्फ स्टडी किया, वैसे मैंने क्लास किया हुआ है मैथ्स का और बस सेल्फ स्टडी किया। जी कंपटीशन क्लास जी। और हम उनके गार्जियन से भी बात करना चाहेंगे कि सर बताइए कि जैसे ये बच्चों का जो सरकारी एग्जाम का डिले होता है तो कितना बुरा लगता है ये? अब लगबे करता है, क्या किया जाएगा, मजबूरी है। और सरकारी का तो ऐसे ही होता है कि सरकारी का काम लेट से होता है, तो इसमें आपका क्या राय है कि सरकार को इसमें और सुधार करना चाहिए? वैसे 2019 की ये वैकेंसी आई है लेकिन एग्जाम देख लीजिए इसका दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो लगभग 2000 पहले ही लेट हो चुकी है और अभी इसके बाद CBT 2 और CAPT भी आना बाकी है, तो इसमें आप लोग मतलब क्या चाहते हैं कि सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? अब सरकार के ऊपर है जो करें, जल्दी करें या लेट करें। जी तो जनता जनार्दन जो है वो सरकार बनाती है, तो सरकार हमारे लिए बना देते हैं, काम उनको करना है जी। तो ये 2 साल जो डिले होता है इससे बहुत पीड़ा होती है। आप तो पहले तो स्टूडेंट्स बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाई है और बाद में फिर पता चलता है कि नौकरी के लिए उससे भी ज़्यादा मारा मारी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आयन डिजिटल जो कि भगवानपुर का है और यहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ही सख्ती से परीक्षा लिया जा रहा है और NTPC की ये फर्स्ट शिफ्ट है। अभी पहला चरण जो है वो 13 जनवरी तक चलेगा और उसके बाद फिर स्टेज 2 की एग्ज़ाम्स होगी, तो आप सभी तैयारी अपने इसी हिसाब से करें क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है और वैकेंसी भी बम्पर है, लगभग 35,000 वैकेंसी है और 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने अपीयर लिया है। हम लोग थोड़े सुरक्षाकर्मी से बात करते हैं। सर यहाँ पे इंतजाम कैसे हैं और सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध है? इंतजाम तो यहाँ अच्छा ही है जी सर, यहाँ इंतजाम सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है जी। और यहाँ पे सेफ्टी के लिए जैसे आप सभी को यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया गया है? हाँ ड्यूटी पर लगाया गया है सेफ्टी के लिए जी सर। तो ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीन्स लेडीज़ कांस्टेबल भी हैं, उनसे भी हम लोग एक सेकंड बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, यहाँ पे लेडीज़ के लिए क्या सुरक्षा का नियम है? सभी यहाँ पे सुरक्षा घेरावरा बनाया हुआ है, सब सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो गोला है ये लगभग 1-1 मीटर के दूरी पे बनाया गया है और यह कोरोना को देखते हुए ही किया गया है ऐसा आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पीछे है वो हैंड सैनिटाइज़र का भी प्रबंध किया गया हुआ है और मास्क के बिना एंट्री यहाँ अलाउ नहीं है। हालांकि बाहर में तो मास्क है नहीं पहने हुए हैं लेकिन अंदर में मास्क पहन के जाना अनिवार्य है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गोला का जो घेरा है यह 1-1 मीटर की दूरी पे बनाया गया है, तो यह जो है वह सुरक्षा के और कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए भी ये सभी बात को निर्णय लिया गया है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट है। आप सभी उत्सुक ज़रूर होंगे कि आखिर क्या कैसे इंतजाम हैं, लेकिन आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का जैसे एग्ज़ाम आएगा नज़दीक आप सभी भी इसके लिए तैयारी रहेंगे। और कुछ कैंडिडेट से हम लोग बात करेंगे, चलते हैं और कुछ कैंडिडेट्स के। तो हमारे साथ फिर NTPC के और कैंडिडेट हैं। सर अपना नाम बताएंगे? नवनीत कुमार जी। सर आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सीतामढ़ी से। देखिए सीतामढ़ी से आए हैं मीन्स ज़्यादा दूरी पे सेंटर नहीं दिया जा रहा। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या था जब आपने चॉइस फिल किया था? तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन तो टाइपिस्ट हो रहा था। नहीं सर सेंटर के लिए ऑप्शन क्या था? सेंटर के लिए तो मैंने
मुजफ्फरपुर में दिया था। देखिए सबसे नज़दीक में ही दिया जा रहा है कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए, और स्टूडेंट्स जो है वो आपकी सर तैयारी आपकी कैसी है? तैयारी तो अच्छी है। तैयारी अच्छी है, दो साल का आपको अच्छा खासा टाइम मिला है जब से आपने फॉर्म भरा है, तो फिर आपने कैसी तैयारी अपनी की इसके बारे में थोड़ा बताएं। तैयारी तो मैंने पटना से की है। जी सर, पटना में सर आप कौन से कोचिंग से क्या करते थे? राकेश यादव के प्रूडेंस कोचिंग से। जी सर, राकेश यादव जो कि बहुत ही फेमस है सर, और उनके प्रोडक्ट है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। और एक तिहाई चूँकि निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें तुक्का लेने का बहुत ही बहुत रिस्की काम हो जाएगा, तो क्या इसमें आप तुक्का लेना चाहेंगे या नहीं? कुछ एक दो ले सकते हैं। जी एक दो ले सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं सर। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार जी। और सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। आपकी आपने जो ये कोरोना काल के वजह से अपनी तैयारी कहाँ से की? यूजुअली स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं, आपने कौन सा मोड चूज किया? ऑनलाइन मोड से ही तैयारी की है। ऑनलाइन मोड से कहाँ से किया करते थे? ऑनलाइन मोड से हुए, वाईफाई एकेडमी वगैरह से। जी, वाईफाई स्टडी जो कि बहुत ही नामी यूट्यूब चैनल है, और बहुत लाखों स्टूडेंट्स उस पर ट्रस्ट करके और अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता जी। है तो एक बार वाईफाई स्टडी के लिए भी बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि वह रिवॉल्यूशन एक तरह से कर रहे हैं, फ्री में स्टडी जो कि आपको यूजुअली नहीं मिलता है वो ऑनलाइन में सब कुछ मुहैया करा रहे हैं। हाँ, सबके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको अपनी तरफ से थैंक्स बोलना चाहेंगे कि वो फ्री में सबको मुहैया कराते हैं, अपना प्रिपेयर करने का मौका देते हैं। जैसा कि वाईफाई स्टडी का जो यूजुअली सेंटर्स है वो बहुत मेट्रोपॉलियन सिटी में चलता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक छोटे से ज़िले से भी, मीन्स सीतामढ़ी समस्तीपुर ऐसे जगह से भी स्टूडेंट जो है तैयारी कर सकते हैं। तो अब ऐसा जो है वो डिजिटल का ज़माना आ चुका है कि आप अपनी पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं। अब जो है वो कोचिंग एक बैरियर नहीं रहा जैसे पहले होता था, मुखर्जी नगर में ही जाके सिर्फ आप दिल्ली में तैयारी कर सकते थे या फिर पटना में ही, लेकिन आप अपने घर से भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं क्या सर? तो अपने प्रैक्टिस सेट ये सब कहाँ से क्या करते थे? प्रैक्टिस सेट तो घर पे ही मारते थे, वैसे मॉक टेस्ट के लिए दिया जाता था, तो मॉक टेस्ट वगैरह किया करते थे ऑनलाइन माध्यम से। और सर इसके बाद आने वाली है ग्रुप डी की परीक्षा, तो क्या उसके लिए आपने रजिस्टर किया है या नहीं? नहीं सर, ग्रुप डी के लिए नहीं किया है। हालांकि उसमें भी जो कैंडिडेट्स हैं वो इससे ज़्यादा भर्ती है, उसमें इससे ज़्यादा भर्ती है, और कैंडिडेट इसी के आसपास कुछ जो है उसमें भी कुछ ज़्यादा कैंडिडेट्स जो अपेयर हो रहे हैं, तो ग्रुप डी में भी और इसमें भी दो रेलवे की बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई है। एसएससी की अगर बात करें तो उसमें 5,000-7,000 के आसपास वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें एक बार में ही आई है, बल्क में आई है, जो कि ईयर वाइज नहीं आई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है रेलवे की कि क्विंटल के भाव से वो लोग भर्ती करते हैं। ओके ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि लाइन लगना शुरू हो चुका है और कैंडिडेट्स की एंट्री हो रही है, तो और कैंडिडेट्स की एंट्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग एक गज की दूरी, दो गज की दूरी बनाई गई हुई है, आप देख सकते हैं, और पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं, और बिना मास्क के एंट्री जो कि है वो अलाउ नहीं है, और हैंड सैनिटाइज़र भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जा रहा है इस कैंडिडेट्स की एंट्री के पहले। और ये एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट की तस्वीर है, और जो एग्ज़ाम है यह 13 तारीख तक चलेगी, और यही जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, कहते हैं दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आप सभी देख सकते हैं सभी परीक्षार्थी के ऊपर मास्क लगा हुआ है, और नीचे में जो गोला सर्कल लगा हुआ है, और सुरक्षाकर्मी भी यहां पे मौजूद हैं कोई भी लापरवाही चाकी से बचने के लिए। आप देख सकते हैं सभी कुछ, और ये भगवानपुर का जो है वह आयन डिजिटल TCS आयन आप देख सकते हैं।